उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सशुल्क दर्शन व्यवस्था का मुद्दा लगातार गर्माने लगा है। पहले सिर्फ साधु संत और श्रद्धालु ही इस दर्शन व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, वहीं अब श्रद्धालुओं में भेदभाव करने वाली इस व्यवस्था का खुले रूप से विरोध होने लगा है। कुछ साधु संतों ने तो ऐसी व्यवस्था के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिखकर इस व्यवस्था को जल्द से जल्द बंद करने की मांग भी कर दी है। मंगलवार को उज्जैन में पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर पाखंड करती रही। पिछले चुनाव में उन्होंने भगवान राम को बेचा था, अब ये सरकार भगवान शंकर को बेचने निकली है। इस दौरान सज्जन सिंह ने बताया कि जब वो मंत्री थे तब भी उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन नंदी हाल से ही किए थे, कभी गर्भगृह में जाने का प्रयास नहीं किया। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में सशुल्क दर्शन व्यवस्था को लेकर विरोध तेज है। कुछ दिनों पूर्व उज्जैन प्रवास पर आए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज ने इस व्यवस्था का विरोध करते हुए कहा था कि मंदिर में ये व्यवस्था भक्तों के बीच भेदभाव पैदा करती है, इसे हटाने के लिए भले ही उन्हें राष्ट्रपति तक जाना पड़े वो इसे हटवाकर ही रहेंगे। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर शैलेशानंद महाराज ने भी महाकाल मंदिर में सशुल्क दर्शन व्यवस्था को लेकर कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि मंदिर में धन अर्जन करने के अन्य साधन हो सकते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन और जल अर्पित करने के नाम पर रुपए लेना सरासर गलत है। इसके साथ ही स्वास्तिक पीठाधीश्वर क्रांतिकारी संत अवधेशपुरी महाराज ने भी सशुल्क दर्शन व्यवस्था का विरोध किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस दर्शन व्यवस्था को तत्काल रूप से बंद करने की मांग की है। उनका कहना है कि मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में जब विशेष दर्शन के नाम पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता तो फिर महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर शुल्क क्यों वसूला जा रहा है।